राजस्थान विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले राज्य में कांग्रेस को 440 वोल्ट का झटका लग गया है। बता दें कि नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया है, जिसके साथ ही राजस्थान सियासत में हलचल तेज हो गई है। चुनाव से पहले मिर्धा के इस कदम से न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कई राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण पर भी बड़ा असर पड़ेगा। नागौर, सीकर, झुंझुनू जिले की कई सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। ज्योति का जाट बाहुल्य क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव है। दरअसल पिछले चुनाव में नागौर में ज्योति मिर्धा के लिए एक नारा चला था, बाबा की पोती है नागौर की ज्योति है। नागौर में इनका कम से कम 7 सीटों पर बड़ा असर माना जाता है, क्योंकि ज्योति नाथूराम मिर्धा की पोती है। जाटलैंड में नाथूराम मिर्धा परिवार का बड़ा असर है। कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा नागौर से 2009 में लोकसभा की सांसद रहीं। वो कांग्रेस के बड़ी नेताओं में शुमार थीं। हालांकि अब ज्योति के बीजेपी में आने से कई बड़े सियासी समीकरण बदल जाएंगे। राजनीतिक जानकारों की माने तो ज्योति पिछले 4 सालों से पार्टी से नाराज बताई गई हैं। नागौर में जाट समुदाय की बड़ी आबादी है। आजादी के बाद से ही नागौर सीट पर मिर्धा परिवार की पकड़ रही। नागौर नाथूराम और रामनिवास की कर्मस्थली रही, जो किसी समय में जाटों के सबसे बड़े नेता थे। ज्योति 2009 में नागौर की सांसद चुनी गई, हालांकि 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। माना जा रहा है कि मिर्धा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। ज्योति और आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव में प्रतिद्वंदी रहे। गौर करने वाली बात यह है कि बेनीवाल ने बीजेपी के टिकट पर ज्योति मिर्धा को मात दी थी। ज्योति ऐसे समय में बीजेपी में शामिल हुई जब बेनीवाल के रिश्ते एनडीए से ठीक नहीं चल रहे। बताया जा रहा है कि बेनीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के संपर्क में और नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर चल रहा है। उधर नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से इस बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के लिए चुनौती पेश करने में लगे थे, लेकिन अब ज्योति के बीजेपी में आने के बाद से कई सीटों पर समीकरण बदलेगा। हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ज्योति के पाला बदलने से नागौर, डेगाना, खींवसर, लाडनू और मकराना विधानसभा सीट पर बड़ा असर पड़ेगा। इन सीटों पर बीजेपी के पास कोई मजबूत चेहरे न होने की वजह से विधानसभा और लोकसभा के लिए परेशानी खड़ी हो गई, लेकिन अब बीजेपी को ज्योति मिर्धा के रूप में एक चेहरा मिल चुका है। वो इसलिए क्योंकि जाट बाहुल्य क्षेत्र में वोटर्स में मिर्धा परिवार का बहुत सम्मान है। मिर्धा के शामिल होने से बीजेपी का जाट समीकरण मजबूत हो सकता है। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है। राजस्थान के कुल मतदाताओं में 9% जाट है। नागौर की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 5,25,000 वोटर्स जाट समुदाय से हैं। मुस्लिम और एससी वोटर्स की आबादी करीब 3 लाख है, जबकि 1.5 लाख राजपूत और 1.5 लाख ब्राह्मण आते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।